नमस्कार दोस्तों, मैं अनुकौरा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा हेल्थ शो में, जिसका नाम है आयुर्वेदा फॉर हेल्दी लिविंग, जिसके स्पॉन्सर हैं दीप आयुर्वेदा। इस खास प्रोग्राम में हमारा उद्देश्य है आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी देना और आयुर्वेदिक इलाज के बारे में बताना। हर शो में हम हमारे शरीर के अंग, उनकी विशेषता और उनसे जुड़ी बीमारियों के बारे में आपको बताते हैं। आज के शो का टॉपिक है डायबिटीज, यानी कि शुगर, जो कि आज सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है, वो तेजी से बढ़ रही है। डायबिटीज के कारण, लक्षण, ये क्यों होती है और इसका इलाज क्या होता है, इस सब के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे डॉक्टर बलदीप कौर जी से, जो कि दीप आयुर्वेदा के फाउंडर व मेडिकल डायरेक्टर हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और फिर हमारे खास प्रोग्राम आयुर्वेदा फॉर हेल्दी लिविंग की शुरुआत करेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आज हमें ये बताएं कि डायबिटीज क्या होता है और इसे शुगर क्यों कहा जाता है। आज आपको हम डायबिटीज के बारे में जानकारी देंगे। डायबिटीज़, जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में हम शुगर की बीमारी कहते हैं, और आयुर्वेद में इसको मधुमेह कहा जाता है। ब्लड में जब आपके ग्लूकोज या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है जो बॉडी हमारी एनर्जी कंजप्शन करती है, वो ग्लूकोज के रूप में करती है। तो जब हमारी बॉडी का जो डाइजेशन के बाद बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है, उसका लेवल जो है उसका लेवल राइज हो जाता है ब्लड के अंदर, तो हम कहते हैं हमें शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है। तो इसको कुछ लोग इससे भी समझते हैं कि अगर हम मीठी चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं या मीठा ज़्यादा खा रहे हैं तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप खाना ज़्यादा खाते हैं या और काफ़ी इसके रीजंस है, कारण है, उसके कारण अगर हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाता है और ग्लूकोज लेवल राइज होने की वजह से हमें कुछ लक्षण आते हैं, तो हम कहते हैं हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है, शुगर की बीमारी हो गई है। इसके प्रकार के बारे में हमें विस्तार में बताइए। जी बिल्कुल। डायबिटीज़ कॉमनली देखा गया है तो तीन तरह की होती है। इसमें एक डायबिटीज़ टाइप वन है जो कि कॉन्जेनाइटल होती है, इनहेरिटल होती है। अगर आप कई बार बचपन से ही डायबिटीज़ हमें होती है, इसका बेसिक रीज़न होता है कि हमारा जो इंसुलिन पैनक्रियाज ग्लैंड है वो इंसुलिन ही नहीं बनाता, बिल्कुल ही नहीं बनाता। और सेकेंड टाइप की डायबिटीज़ जो है वो हमें एडल्टहुड में आके होती है, लाइक 30, 40, 50 की एज में जाके होती है। इसका कारण ये होता है कि कई कारणों से हमारा जो पैनक्रियाज है वो प्रॉपर इंसुलिन बनाना जो है वो कम कर देता है, और या फिर इंसुलिन जो बनाता है वो प्रॉपर क्वालिटी की नहीं होती, उसकी इंसुलिन रेजिस्टिविटी जिसको कि हम कहते हैं वो हो जाती है, या हमारी बॉडी इतने सेल्स इतने कैपेबल नहीं होते कि उस इंसुलिन को एब्जॉर्ब कर पाएँ। इसकी वजह से क्या होता है कि हमें शुगर के लेवल जो हैं, जो शुगर की कंजप्शन बॉडी में नहीं हो पाती और शुगर के लेवल्स हमारे बढ़ जाते हैं। थर्ड टाइप की डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी में। कई बार फीमेल्स को प्रेगनेंसी में भी शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं, बट ये टेम्पररी होती है। मोस्टली देखा गया है कि आफ्टर प्रेगनेंसी ये ठीक हो जाती है पेशेंट्स को। जैसे कि अगर हम बात करें, पहले डायबिटीज़ बहुत कम होती थी और अगर किसी को डायबिटीज़ हो भी जाए तो उसे बहुत बड़ी बात माना जाता था, लेकिन आजकल ये आम हो गई है। इसका क्या कारण है और ये हमारे शरीर में होती क्यों है? जी बिल्कुल अनु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आजकल हम हर घर में देखते हैं, हर तीसरे घर में एक शुगर का पेशेंट है। डॉक्टर भी के पास भी जब पेशेंट आता है तो हमारा भी यही क्वेश्चन होता है कि आप डायबिटिक तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। इवन इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड, बट अगर हम इंडिया में ही बात करें तो इसके 4.5 करोड़ पेशेंट हैं, और डे बाई डे इंडिया में तो इसकी तादाद जो है पेशेंट्स की बढ़ती जा रही है। तो इसका आजकल के टाइम में, पहले डायबिटीज़ नहीं होती थी और आजकल के टाइम में हो रही है। इसका बेसिक रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसा लाइफस्टाइल को हम थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करें तो हमारा खाना पीना, जैसे हम आजकल जो डाइट लेते हैं, डाइट में हम प्रोसेस्ड फूड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम रॉ फूड कम खाते हैं। रॉ फूड का मतलब है कि हम कच्ची हरी सब्जियां, फल, ये कम खाते हैं, और हम प्रोसेस्ड फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, और कई बार तो हम फास्ट फूड्स भी खाते हैं, फ्राइड फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसके भी बहुत कैलोरीज होती हैं। उसके बाद हमारा जो लाइफस्टाइल में आता है हमारा वर्कआउट, फिज़िकल वर्कआउट आज के टाइम में बहुत कम है। लोग आजकल फिज़िकल काम करके राजी नहीं है बिल्कुल भी, उनको सब बैठे हुए कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। दूसरा, हमारा जो आजकल का काम है, जो हम अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए काम करते हैं, वो भी मोर ओवर सिटिंग जॉब्स हैं। हार्ड वर्कआउट हमारी लाइफ से बिल्कुल चला गया है, तो कंटिन्यूस सिटिंग, कंटिन्यूस बैठने की वजह से भी डायबिटीज़ होती है। थर्ड रीज़न है इसका आजकल का जो मेंटल स्ट्रेस लेवल्स जो है, मेंटल, पहले के टाइम में लोगों को इतना स्ट्रेस नहीं होता था, लाइफ बहुत सिंपल थी, बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं लोगों की होती थी, बहुत सिंपल लाइफ थी, तो लोगों को था कि अच्छा अगर हमें खाने को मिल रहा है, हमें रहने को घर है तो ठीक है। लेकिन आजकल लाइफ में एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं हमेशा स्ट्रेस रहता है, कंपटीशन बहुत है लाइफ में। तो ये मेजर तीन रीज़न्स हैं हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना भी खाते हैं, उनकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है अपनी कैपेसिटी के, उनका वर्कलोड उतना नहीं है, काम उतना नहीं करते जितना कि वो कैलोरीज लेते हैं। पहले के टाइम में अगर हम जितना भी खाना खाते थे, अगर हम बच्चे हैं तो हम उतनी डाइट बड़े होके भी खा रहे हैं, अगर हम टीन एजेस में थे तो अगर हम चार रोटी खाते हैं तो आज हम 45 में भी चार ही रोटी खा रहे हैं, जबकि टीन एजेस में हमारी एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा थी और अब कम है। तो बहुत सारे रीजंस हैं इसकी वजह से आजकल ये डायबिटीज़ की जो बीमारी है बहुत कॉमन हो गई है। जी, कारणों के बारे में तो आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया। अब आप हमें ये बताइए कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो दी जाती हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, तो उस वो कैसे काम करती हैं? जी, इसका जो मॉडर्न मेडिसिन में हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है डायबिटीज़ के लिए, इसमें काफ़ी टाइप की मेडिसिन दी जाती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा बताऊँ तो इसके बारे में, डायबिटीज़ के लिए मेजरली दो तीन तरह की मेडिसिन जो मार्केट में अवेलेबल हैं मॉडर्न मेडिसिन में, उसमें एक मेडिसिन जो आपके ब्लड में से शुगर को यानी कि ग्लूकोज को निकालती है, उसको यूरिन से पास आउट करा देती है ताकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी में ना रहे, जिसकी वजह से कोई डैमेज ना हो। सेकंड कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं जो इंसुलिन रेजिस्टिविटी को कम करती हैं, जो इंसुलिन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। थर्ड टाइप की मेडिसिन वो होती हैं जो आपके गट से यानी कि आपके इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को ही कम करती हैं, ताकि डाइजेशन के बाद ग्लूकोज कम एब्जॉर्ब हो और वो ब्लड में कम घुले ताकि शुगर के लेवल्स ना बढ़ें। और कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो आपके पेनक्रियाज यानी कि यहाँ पे जहाँ पे इंसुलिन जो है, इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, उस पेनक्रियाज को भी एक्टिवेट करता है, उसके सेल्स को रिपेयर करता है ताकि वो ठीक से काम कर सके और इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सके। लेकिन ये सारे केमिकल्स हैं तो केमिकल्स के बॉडी पे कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर आते हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसलिए हम इनके ऊपर हम लेते हैं। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन भी अपनी जगह ठीक है क्योंकि उनके पास इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट्स नहीं है, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स मॉडर्न मेडिसिन में अवेलेबल हैं हमारे पास। डॉक्टर साहब, आज पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपना रही है, तो क्या आयुर्वेद में भी डायबिटीज़ का कोई खास जो है जो अच्छा प्रोडक्ट हो, जिस इसकी दवाई हो वो है? आयुर्वेदिक में बहुत वैरायटी ऑफ मेडिसिन, वैरायटी ऑफ हर्ब्स, वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं डायबिटीज़ के लिए। जो काम आप मॉडर्न मेडिसिन के साथ करवा रहे हो, जो ले रहे हो आप अपने ब्लड में से एक्स्ट्रा शुगर को निकाल रहे हो, या पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने का काम है, या फिर इंसुलिन रेजिस्टिविटी को ठीक करना है, बॉडी के सिस्टम को इम्प्रूव करना है, इम्यूनिटी को इन्हांस करना है, अगर ये सारे काम हम आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ भी ले सकते हैं। बहुत तरह की मेडिसिन है, अगर आपको मैं जनरल आम बताऊं तो उसके लिए हम अगर घर में मेथी का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, मेथी जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, आपके ब्लड को प्यूरीफाई करती है। नीम है एक ऐसी हर्ब, करेला है जो शुगर लेवल्स को रिड्यूस करता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज को निकालता है। और आयुर्वेदिक में अगर हम हर्ब्स के ऊपर जाएं तो पुनर्नवा है, जिसमें जो डायूरेटिक है, ब्लड में से ग्लूकोज को निकालने का काम करता है, विजयसार है। इसके अलावा हमारे पास हर्बल कॉम्बिनेशंस भी बहुत सारे हैं, क्लासिकल में भी हैं जो हमारे पुराने शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जैसे कि चंद्र प्रभावटी है, या बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इसके अलावा हम पंचकर्मा में भी काफ़ी ट्रीटमेंट्स हम ले सकते हैं, जिससे हम ये शुगर जैसी भयानक बीमारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं, और बचाने के साथ साथ अगर हो जाती है तो हम उसको अपना लेवल्स जो है मेंटेन कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। जैसे कि आपने इतने सारे ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया, तो क्या आयुर्वेदा जो है ये जड़ से बीमारी को ख़त्म कर देता है? आयुर्वेदिक में क्या जो इलाज है वो परमानेंट है और एलोपैथी में नहीं है, तो मैं आपका ये डाउट ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो इस डिसऑर्डर्स आप मेंटेन कर सकते हो, डिजीज़ आप ट्रीट कर सकते हो। लेकिन एलोपैथी का अगर आप मॉडर्न मेडिसिन के साथ चलते हो तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी के ऊपर आते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन सिर्फ एक जो एक लेवल्स हैं सिम्टोमेटिकली काम करती हैं, उसके साथ साथ केमिकल्स के साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी के ऊपर होते हैं। मॉडर्न मेडिसिन लेते लेते आपको साथ में न्यूरोपैथी हो जाती है, यानी कि आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, आपको नेफ्रोपैथी हो जाती है, आपको गुर्दे जो हैं आपके कमज़ोर पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उसके अलावा आपको काफ़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जनरल वीकनेस होती है पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा। लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन आप लोगों को जैसे पता ही है ये हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, वही चीज़ें हैं जो हम कॉमन अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं या धरती पे पैदा होती हैं, नेचुरल हैं, पंच तत्वों से बनी हुई हैं, तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है बॉडी के ऊपर। और उसके साथ साथ वो ट्रीटमेंट के साथ साथ हीलिंग भी करती हैं बॉडी में, रिजुविनेशन भी करती हैं आपकी बॉडी को, आपके शरीर को तंदुरुस्त भी बनाती हैं, ना कि आपको और ज़्यादा बीमार बनाती हैं। क्योंकि आप मॉडर्न मेडिसिन जब लेते रहते हैं तो आपके डे बाई डे आपका जो पेनक्रियाज है वो और ज़्यादा सुस्त होता चला जाता है और धीरे धीरे वो काम करना बंद करता है, तो पेशेंट जो है वो एक गोली से शुरुआत करके लास्ट में इंसुलिन से भी उसका काम नहीं चलता और डायबिटिक अटैक तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ के आयुर्वेदिक मेडिसिन पे रिलाई करते हैं, आयुर्वेदा को अपनाते हैं,
तो उससे आपके लेवल्स तो नहीं बढ़ेंगे, एटलीस्ट आपकी बॉडी और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। और धीरे धीरे हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते रहते हैं तो धीरे धीरे आपके लेवल्स जो है वो कंट्रोल होते चले जाते हैं, और कुछ सालों के बाद आपको मेडिसिन लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने डायबिटीज़ के लेवल को अपने लाइफस्टाइल और डाइट के साथ आप अपना उसको मैनेज कर सकते हो। कुछ एक दो हर्ब्स हैं या घरेलू उपाय हैं या किसी हर्बल कॉम्बिनेशन को आप रेगुलर लेके अपने लेवल्स मेंटेन कर सकते हो। आपको सफरिंग्स नहीं होती, आपको सफरिंग्स नहीं है मेडिसिन के साथ, आप नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन की तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हो। जी, यहाँ पे बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे जितने भी दर्शक होंगे उनको मुझे लगता है बहुत कम इस बारे में जानकारी होगी। वो जो अंग्रेजी दवाइयाँ उनको एक छोटी सी गोली समझ के लेते होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो एक साइलेंट किलर के रूप में काम करती है। बिल्कुल साइलेंट किलर का काम करती हैं वो, क्योंकि वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स जो हैं वो अनुजी क्रिएट करती हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेना चाहिए, अपनाना चाहिए। एटलीस्ट आपका, अगर हम ये कहें कि अब मैनेजमेंट वो कर रही हैं, बेशक वो मैनेजमेंट कर रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी बीमारी को क्योर भी कर रही हैं, ठीक भी कर रही हैं। आपको पूरी लाइफ डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन लेनी नहीं पड़ती हैं, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। और आप ये सोच सकते हो कि मेरी लाइफ जो है एंड में भी हेल्दी ही रहूँगा मैं, मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी इन दवाइयों को लेते लेते कि मुझे ना कोई शुगर का अटैक पड़ेगा, ना मेरे को बीपी की कोई प्रॉब्लम होगी। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने बात की, जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो है साइड, लेकिन जो कंट्रोल करती हैं डायबिटीज़ को, वो तो अंग्रेजी दवाइयाँ भी करती हैं, तो फिर आयुर्वेदी लोग क्यों लें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा अनुजी। मैंने आपको जैसे बताया कि आयुर्वेदिक से भी मैनेजमेंट होता है, लेकिन मैनेजमेंट जहाँ तक हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा, मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप कंटिन्यू आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते रहते हैं तो बहुत टाइम, कुछ टाइम के बाद आपकी जो मेडिसिन आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने लाइफस्टाइल, डाइट और थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक हर्ब्स वगैरह कंज्यूम करके आप मेंटेन कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि केमिकल्स लेने के साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ आपकी बॉडी में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं आता, बल्कि वो बॉडी को हील करती है। अगर हम सिंपली अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा आपके नसों को, आप रसायन का काम करता है, नसों को मजबूत करता है, आपको स्ट्रेंथ स्टेमिना देता है। तो इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन के कंपेयर में अगर हम बाकी ट्रीटमेंट्स को देखें तो आयुर्वेद को हम अच्छा मानते हैं, ताकि क्योंकि ये एक तो साइड इफ़ेक्ट फ्री है और ये आपकी हेल्थ को प्रिवेल करता है, आपको आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है। डॉक्टर बलदीप कौर जी से बातें ऐसे ही जारी रहेंगी, आयुर्वेद के रिलेटेड हम उनसे बहुत सारी जानकारी भी लेंगे, लेकिन हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम बलदीप कौर जी से बात कर रहे थे, आइए फिर उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, क्या उन्हें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो आप प्रोडक्ट्स भी बताइए कि वो कौन से यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डायबिटीज़ के लिए हम, अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो हम क्या रेमिडीज़ हैं उसके लिए, हमें उसके लिए डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लानी चाहिए या मेडिसिन क्या अवेलेबल हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी। डायबिटीज़ के लिए हमें, अगर किसी के शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो हम उसे नेचुरल हीलिंग करनी चाहिए। हम आयुर्वेदिक में कुछ अच्छी हर्ब्स हैं, अगर आप घर से ही शुरुआत करना चाहते हैं तो आप करेले का रस जो है वो निकाल के 30 ml के करीब खाली पेट लेना शुरू कर सकते हैं। मेथी को आप रात को भिगो के पानी के अंदर 1 चम्मच सुबह उसको कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप मेडिसिन के ऊपर डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे तो आप उसके लिए बहुत सारी अच्छी मेडिसिन, हर्ब्स और हर्बल कॉम्बिनेशन आयुर्वेदिक में अवेलेबल हैं, वो आप मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें काफ़ी क्लासिकल रेंज ऑफ मेडिसिन भी आती हैं, क्लासिकल यानी कि जिनका हमारे पुराने ग्रंथों में मैंशनड है, वो मेडिसिन आपको एक डॉक्टर अच्छे आयुर्वेदिक आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अगर मॉडर्न मेडिसिन, आप पेटेंट मेडिसिन में भी काफ़ी प्रोडक्ट्स जो हैं अलग अलग कंपनीज बनाती हैं, और वो आप पेटेंट प्रोडक्ट्स भी कैप्सूल्स के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में लेके अपने डायबिटीज़ लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा जो इसका बेसिक कारण है, क्योंकि आयुर्वेद सबसे पहले लाइफस्टाइल और रहन सहन खान पीन के ऊपर तवज्जो देता है, उसी के ऊपर देनी भी चाहिए, क्योंकि सारी बीमारियों की जो जड़ है, मूल कारण है, वो हमारी डाइट और लाइफस्टाइल है। तो जब तक हमारी डाइट और लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं होता, तब तक आपको कोई भी मेडिसिन लेने का इतना बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप मॉडर्न डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं तो वो भी कहते हैं आपको कि आप ये ट्रीटमेंट लो, साथ में आप सैर करो, वर्कआउट करो, आप एक्सरसाइज करो, आप अपना डाइट में ये खाओ ये नहीं खाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको डाइट में क्या करना है, आपको सिंपल खाना खाना है, सादा भोजन करना है, उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। कोशिश करनी है कि हमें कच्चे फल सब्जियाँ हम जितनी खा सकें, ये वहम मन में नहीं लाना है कि हमें बहुत ज़्यादा मीठा फल नहीं हम खा सकते हैं या हम
आप अगर खाना चाहते हैं तो आप अपने जो प्रोसेस्ड फूड है, आप रोटी कम खा के आप उसको खाने के बाद ले सकते हैं। उसके अलावा आपको नट्स जो हैं वो ज़रूर लेने चाहिए। नट्स में जैसे आपको अखरोट वगैरह, बादाम भिगो के रात को, क्योंकि उनमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की। उसके अलावा आप हर्ब, किसी भी हर्ब का जूस, जैसे कि मैंने करेले का बताया, या किसी चीज़ का, आप वो भी ले सकते हैं। तो डाइट में खाना जो है बायोलॉजिकल क्लॉक को, यानी कि आपको टाइम से खाना ज़रूर खाना चाहिए। आप सुबह अपना 8 बजे से पहले नाश्ता कीजिए, 1 बजे से पहले लंच कीजिए, और टाइम से खाना खाइए। खाना उतना खाइए अपना ताकि आपका आधा पेट भरे, पूरा पेट भर के, और बहुत ज़्यादा डाइट आपको नहीं लेनी चाहिए। उसके अलावा आपको लाइफस्टाइल में आपको जो नींद प्रॉपर होनी चाहिए, आपको अच्छी से फुल 6 से 7-8 घंटे तक आपको नींद लेन करनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे तो फिर तो बीमारियाँ होंगी होंगी, तो अपना स्ट्रेस लेवल्स मेंटेन कर सकते हैं आप। अगर आप कहीं कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप योगा या मेडिटेशन करके, या किसी अच्छी संगति में बैठ के, आपको अच्छा म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, या आपको कोई हॉबी है आपकी, आप वो भी कर सकते हो, ताकि आपके ब्रेन को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन जो है वो मिले, ताकि आपका जो ये डायबिटीज़ के लेवल्स हैं वो इम्प्रूव हो सकें। काफ़ी मेडिसिंस भी इसकी मार्केट में मिलती हैं, अवेलेबल हैं। हमारी कंपनी ने, हमने भी बहुत सारी फॉर्मुलेशन जो हैं इसकी फॉर्मुलेट की हैं, तो वो आप लेके अपनी लाइफ को, अपने डायबिटीज़ लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं, और इसको बहुत हद तक ठीक भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आप कई वर्षों से आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या आपकी कंपनी ने भी कोई प्रोडक्ट बनाया है जो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कर सके? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल जानकारी देना चाहूँगी कि हमने काफ़ी रिसर्च के बाद फॉर्मुलेशन से फॉर्मुलेट किए हैं प्रोडक्ट्स। ये कम्प्लीटली हर्बल फॉर्मुलेशन हैं और 100% सेफ़ हैं, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डाय क्योर कैप्सूल्स के नाम से हमारे कैप्सूल्स जो हैं वो मार्केट में आते हैं, उसमें बहुत अच्छी हर्ब्स हमने डाली हैं, जो कि आपके शुगर के लेवल्स को मेंटेन करने के साथ साथ आपके जो बाकी शुगर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसकी भी टेक केयर करती हैं। उसके अलावा एक नर्वो केयर कैप्सूल्स हैं हमारे, यूरो केयर हैं, जो आपकी किडनीज़ की हेल्थ, आपकी नर्वस नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपके नर्व्स की हेल्थ को भी मेंटेन करती हैं। तो आप ये प्रोडक्ट्स लेके अपने लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। आपके लाइफस्टाइल काफ़ी बिजी है, आप डेली अपने आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, आप जूस नहीं बना सकते, लेकिन आप हर्बल प्रोडक्ट्स तो ले सकते हैं एटलीस्ट अपनी इस लेवल्स को मेंटेन करने के लिए। उससे ये होगा कि आपको अपने केमिकल्स अपनी बॉडी में नहीं लेने पड़ेगा और उनके ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ेगा, जिसके साइड इफेक्ट्स आपको बाद में लेटर ऑन फिर झेलने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, मैं डायक्योर और उसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा और विस्तार में जानना चाहूँगी, आप उसके बारे में हमें बताइए। डायक्योर जो हमारा प्रोडक्ट है, इसमें हमने काफ़ी अच्छी हर्ब्स डाली हैं, जैसे कि विजय सार है इसके अंदर, जामुन है, करेला है इसके अंदर, जिनसेंग है, अश्वगंधा है। ये हर्ब्स मल्टी काम करती हैं बॉडी के अंदर, डिटॉक्सिफिकेशन भी करती हैं, आपके शुगर के लेवल्स को कम करती हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर ब्लड में है तो उसको निकालती हैं। उसके साथ साथ ये आपके पेनक्रियाज, जो आप जहाँ पे इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है, उसको एक्टिवेट करती हैं। अगर उसके सेल्स सो गए हैं, वो किसी वजह से, टेंशन की वजह से या किसी भी वजह से वो सो गए हैं, तो उनको जगाती हैं कि अपना काम करो, ताकि शुगर जो है वो ब्लड के अंदर ना बढ़े। उसके अलावा ये बॉडी में हीलिंग या रिजुविनेशन का काम भी करती हैं। तो इनके मल्टी काम है, हम एक हर्ब का हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ही काम करती है, बहुत सारे काम करती है और प्रॉपर करती हैं और बिना साइड इफेक्ट्स के करती हैं। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में भी हमें बताइए। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को, जैसे हमने बताया आपको, आप अपना सबसे पहले तो अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कीजिए, आप डाइट सबसे पहले इम्प्रूव कीजिए, उसके बाद आप वर्कआउट यानी कि फिजिकल लेबर जो है आप उसको, आप जॉगिंग, आप वॉकिंग, आप जिम भी जा सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप किसी भी फॉर्म में फिजिकल वर्कआउट जो है अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, अपने ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन कंजप्शन के लिए, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, ताकि जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है करेक्ट रहे और बॉडी की हीलिंग हो। उसके अलावा एक बहुत अच्छी नींद और अपने तनाव जो है, अपने स्ट्रेस लेवल्स को मेंटेन करना, उसके डिफरेंट तरीके मैंने आपको बताए हैं कि आप कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर डायबिटीज़ है या नहीं भी है, तो आप कुछ हर्बल कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। नहीं है का मतलब कि कई बार जेनेटिकली ये प्रॉब्लम हमारे फादर को, फोर फादर्स को रहती है, तो आपको होने के चांसेस होते हैं, तो आप अपना एक वॉच जो है, एक नज़र आप उसके ऊपर रख सकते हैं, और कुछ हर्बल कॉम्बिनेशंस आप रूटीन में भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको बीमारी होने के चांसेस नहीं होते। फिर डायक्योर के बारे में हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है जो डायक्योर है वो डायबिटीज़ के लिए एक वरदान साबित होने वाला है, तो आप उसके बारे में हमें बताइए कि वो कब और कैसे लेनी है ट्रीटमेंट। डायबिटीज़ का जो कैप्सूल हमने डायक्योर बनाया है, ये कैप्सूल फॉर्म में है, लेना भी बहुत ईजी, आप कैरी भी कर सकते हैं। 2 कैप्सूल्स आपको खाली पेट, आपको मील से पहले, आधा घंटा पहले पानी से लेने हैं, बहुत सिंपल है। इसके साथ साथ हमने अगर नर्व से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप नर्वो केयर और अश्वगंधा के कैप्सूल्स भी ले सकते हैं, गिलोय भी ले सकते हैं। हर्ब्स में बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आप ले सकते हैं। तो डायक्योर कैप्सूल आप एम्प्टी स्टॉमक लीजिए, ये दोनों काम करेगा, आपको सुबह और शाम 2 बार ये कैप्सूल्स जो हैं वो लेने होते हैं। जी,
लेकिन कहीं इसकी हमें आदत होने लग जाएगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि हमें हर्ब्स की कभी भी आदत नहीं लगती है, ना इसमें कोई ऐसी आदत बनाने वाली चीज़ होती है। हर्ब्स हैं तो अपने तरीके से काम करेंगे। हर्ब्स तो आप, मेरे ख्याल से आप जो सब्जियां खाते हो वो भी हर्ब्स हैं, आप जो पालक खाते हैं या आप धनिया खाते हैं या आप कोई भी चीज़ खाते हैं, तो ये भी वही हर्ब्स हैं। इसमें कोई भी ऐसी आदत वाली या जिससे कोई आपको हैबिट बन जाए, आपको लेनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई आदत वाली बात आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्रीटमेंट के अंदर नहीं होती है। और इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा बॉडी के ऊपर, क्योंकि हर्बल है, ये भी नेचुरल है, नेचुरल एनवायरनमेंट में पैदा होती है। नेचुरली हमारा शरीर भी, हम भी हर्बल हैं, नेचुरल हैं, पंच तत्वों से बने हैं, हर्ब्स भी वही हैं, तो कोई साइड इफेक्ट इसका बॉडी के ऊपर नहीं आता है। आप और जो हमारे डायक और हर्बल कैप्सूल्स हैं, तो ये कम्प्लीटली हर्बल है, इसमें हमने कोई मिनरल भी नहीं डाला। और इसका जो फॉर्मुलेशन है वो हमने त्रिदोषों को बैलेंस के हिसाब से बनाया कि किसी का कोई दोष ना बढ़े। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगी कि कई बार लोगों को मिथ होती है कि अगर हम देसी दवाई खा रहे हैं या आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं तो इससे हमें गर्मी हो जाएगी या हमें ठंड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसको बहुत बैलेंस करके हमने बनाया, ये ध्यान में रखते हुए कि इसको हर तरह की प्रकृति का जो मरीज है, जो पेशेंट है, वो ले पाए, चाहे उसकी प्रकृति वातज हो, चाहे पित्तज हो या कफज हो, यानी कि उसकी तासीर अगर गर्म है तो भी वो ले सकता है, ठंडी है तो भी वो ले सकता है। तो इसका कोई भी हर्बल कॉम्बिनेशन का साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर नहीं आता। तो डॉक्टर साहब, अंत में हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि वो ये प्रोडक्ट कहाँ से ले सकते हैं और ये कितने का मिलेगा? जो हमारा प्रोडक्ट है डाई क्योर, उसको आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्टली वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो प्रोडक्ट आपको होम डिलीवर घर पे मिल जाएगा। अगर आप बाहर बैठे हैं और हमारे से ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन जाके हमें मेल कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, तो हम उसको रिप्लाई करेंगे। इसके बाद आपको एक फॉर्म भी भेजा जाएगा जिसमें आप अपने डिटेल, ट्रीटमेंट क्या ले रहे हैं और क्या आपको प्रॉब्लम है, कब से, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप अपना ट्रीटमेंट भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट ही लेना है तो आप इसको हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप इसको हमारे रिटेल नेटवर्क जो है, आप जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स के पास भी अवेलेबल है, हमारे रिटेल काउंटर्स पे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है डिफरेंट सिटीज़ में, तो आप वहाँ से जाके ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। जी, तो मुझे लगता है अब जो हमारे दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा उतावले हो गए होंगे ये जानने के लिए कि प्रोडक्ट मिलेगा कितने का। जी, इसकी कीमत बहुत कम है, ये सिर्फ 275 रुपये की एक बॉटल आती है जिसमें 40 कैप्सूल होते हैं, और ये बॉटल आपकी 10 दिन के लिए चलती है। तो 275 रुपये बहुत नॉमिनल प्राइस है इसका, और ये लेकिन इससे आपकी सेहत पे बहुत अच्छा रहेगा और आपके डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल करेगा। 275 रुपये ऐसी कीमत है जो कि हम एक मिनट में अगर कुछ स्नैक्स लेने जाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो खर्च हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से 275 रुपये बहुत कम है, और आप इसको ज़रूर लीजिए और अपनी लाइफ को और भी हेल्दी बनाइए। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर बलदीप कौर, जिनसे आज हमने डायबिटीज़ के बारे में ढेर सारी जानकारी ली। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।